भाई सादाबाद और दोनों विधानसभाओं में हाथी लौटा चुका है, हाथी चिखा चुका है, अब हाथी को रोकने वाला कोई नहीं है। सादाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान में अपने भाई, अपने मित्र और एक जान साथी भाई अवन शर्मा जी को विधायक के रूप में देखने की तमन्ना लिए हुए इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय सम्मानित सांसद राज्यसभा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, मंच पर विराजमान श्री सूरज सिंह जाटव जी, मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई कपिल मिश्रा जी, सम्मानित श्री धीरेन्द्र चौधरी जी और हमारे यहाँ पर अवन शर्मा के पूजनीय पिताजी और भी हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्गो भाई शिवाकांत शर्मा जी, सामने की ओर बैठे हुए सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, दो मिनट का समय आप सबका लेना चाहता हूं। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं जितने लोग यहां पर खड़े बैठे हैं कि हमको क्या दो साल पहले की क्रांति भूल गई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, यही आपका वो जनपद हाथरस है, ये बगल में आपके आगरा है जहां पर हजारों हजारों लोगों ने पैदल चल चल करके अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। यही आपका उत्तर प्रदेश है जब कोरोना में हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और कोई पूछने वाला कोई पुरसाहल नहीं था। यही आपका उत्तर प्रदेश है, इसी के बॉर्डर पर हजारों हजारों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कोई उनको श्रद्धांजलि देने वाला मेरे साथियों नहीं आया। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, संपूर्ण जनता जनार्दन से जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोग जानवर है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हमारे दिलों में इंसानों का दिल नहीं धड़क रहा है क्या? अगर ऐसा है तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि बताइए 2022 में 23 तारीख को हमको बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 20 तारीख को क्षमा करिएगा, 20 तारीख को, आज आपकी 18 तारीख है, तारीख को वोट पड़ना है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब बटन दबाने जाना तो एक बार अपने नौनिहालों के बारे में जरूर सोच लेना। बटन दबाने जाना तो जिन लोगों को आप लोगों ने इस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही से खोया है उनको एक बार जरूर याद कर लेना, उन किसानों के परिवारों को जरूर याद कर लेना जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति खाली 3 काले कानून रुकवाने के लिए, बंद कराने के लिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुरक्षित रहे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आंख बंद करके काम करने से काम नहीं चलने वाला है। हाथरस कांड याद रखना है, फिरोजाबाद कांड याद रखना है, आगरा में हुए हत्याकांड को आपको याद रखना है और 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद ये जो बटन दबाने वाला काम है उसको आपको इतनी ताकत से करना है कि आपका ये नौजवान साथी अवन शर्मा इस पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसा व्यक्ति बन करके आए जो इस सादाबाद को विकास की राह पर लेके जाने काम करे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी की इन सरकारों की जिम्मेदारी है। जब आप थोड़ा सा इनको ढीला छोड़ देते हैं तो ये इस तरह के उत्पात और अनाचार करने का काम करते हैं और उनको लगता है अरे ये सब तो हमारा ही है। ऐसे लोगों को कदापि इस प्रदेश में रहने की अनुमति आपके द्वारा नहीं देनी चाहिए। तो बताइए आप लोग हमारे पास सहमत है अवन शर्मा को विधायक बनाना है कि नहीं बनाना है? 50 घंटा आपके पास है, 50 घंटे का समय आपके पास है। जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं,
जब इस कार्यक्रम से हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सुनकर के जाए, उनकी बातों को साथ लेकर के जाए और घर घर में पैसे देने का काम करे कि भाई सादाबाद और दोनों विधानसभाओं में हाथी लंकार चुका है, हाथी चिघा चुका है, अब हाथी को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबने इतनी ताकत भर दे कि हम रावण शर्मा को 10 मार्च को इसी मैदान में विधायक के रूप में उनका सम्मान करने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज़।